अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल कुरैशी है, मेरे साथ सोहेल जावेद मौजूद हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए ये बात कि जो ये कह रहे हैं कि मैं और सोहेल एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो ऐसी पता ही कोई बात नहीं है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर परफेक्टली फाइन, खुश हैं। हमारी दोस्ती पे कोई ऐसी बात आई नहीं है, लेकिन लोगों की आदत है कोई ना कोई बात करते रहते हैं। बट आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वेरी पेनफुल फॉर मी एंड फॉर सोहेल। सोहेल के लिए शायद ज़्यादा पेनफुल है, बिकॉज सोहेल का बेबी था वो, और बहुत ही यकीन करें तकलीफ दे खबर है कि हम ऑफिशियली ये बात मैं कर रहा हूँ कि हम सॉरी को शेल्फ कर रहे हैं, सॉरी अब नहीं बनाएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ वजूहात ये भी हैं कि कुछ दोस्तों ने बहुत साथ दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह की बातें की या जिस तरह की हरकतें की या जो भी चीज़ वो कर सकते थे उन्होंने की हैं, और उसके बाद हुआ ये कि हम बहुत अरसे तक रुके रहे, फिर कोविड के बाद और मसाइल, फिर आजकल भी जो हमारी इंडस्ट्री का हाल है, उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि इट्स बेटर कि इसको शेल्फ ही कर दें। और मैं अपने फैंस से सॉरी करूंगा कि मैं उनको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मैं बहुत सॉरी कर रहा हूँ आप सब से। बट इंशाल्लाह जिंदगी में कुछ और करेंगे, काम तो चल ही रहा है। सोहेल, एनीथिंग? आई थिंक जो कह रहा था फैसल ने वो कह दिया, वी जस्ट आई थिंक जो लोग रुकवाना चाह रहे थे इसको वो खुश हो सकते हैं, खुश हो जाए, रोक दी हमने, फाइनली शेल्फ कर दी, नहीं बनाएंगे। But as a parting gift, we will be after this video releasing a short teaser, like a first look of the film, ताकि जो लोग बहुत मोहब्बत के साथ इंतजार कर रहे थे उनको कुछ तो उनके लिए छोड़ के जाएं। और hopefully इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ, या फिर शायद किसी कहानी के साथ, I don't know, but मुलाकात होगी इंशाल्लाह। Thank you, बस खैर की दुआ किया करें दूसरों के लिए, आखिर में ये काम।